शीला, तुम्हें तो मालूम ही है ये फार्म हाउस एक पार्टी हब है और मेरी तो फेवरेट जगह है ये। पिछले हफ्ते मेरे हस्बैंड ने ये फार्म हाउस उस फेमस पॉप स्टार आरआर से खरीद कर मुझे वेडिंग एनिवर्सरी में गिफ्ट किया है। एक साल पहले मैंने फार्म हाउस पे पार्टी रखी थी। Mr. Bilimore, pen please. Oh, this is not your pen. It is KD's pen. ये तुम्हारा पेन है। Mr. Bilimore, क्या फर्क पड़ता है? दोनों की इंक तो ब्लू ही है ना? बहुत फर्क पड़ता है, पता है? हम जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं ना, उसके अंदर हमारी पर्सनालिटी का छाप हो जाता है। हमारे वाइब्रेशंस अंदर जाते हैं, पता है? अगर हमको हमारे काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है ना, तो हमको रोज वही चीज यूज करना चाहिए। Hello? Really? Thank you. आता हूँ। High profile case. High profile victim. High profile suspect. रणवीर रांझा। मिस्टर आरआर, क्या आपको लगता है कि पैसे और पहुंच के दम पे आप किसी का भी कत्ल करके बच सकते हैं? इतनी कमेंट में आपने अपने मैनेजर का खून कर दिया। क्या बोला तू? तू जानता है मैं कौन हूँ? और अभी अभी आपने देखा, मशहूर सिंगर रणवीर रांझा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर मनीष दुबे अपने पुराने मैनेजर के कत्ल का इल्जाम है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए तेज खबर। राजा साहब, किसी व्यक्ति की शक्ति को उसके क्रोध से नहीं, उसके संयम से मापा जाता है। फिलॉसफी सीखने के लिए मैंने आपको हायर नहीं किया मिस्टर पाठक, बल्कि इसलिए किया है कि आप मुझे जल्द से जल्द यहां से बाहर निकाल सकें। खर्चा जो भी हो परवाह नहीं। राजा साहब, आपके विरुद्ध पुलिस ने सबूतों का बांध बनाया हुआ है और आप पैसे पानी की तरह भी बहा दें तो वो नदी उस बांध को नहीं तोड़ पाएगी। बेहतर है कि आप जरा जमीन पे आ जाएं और मुझे बताएं कि अंततः उस रात को क्या क्या हुआ था। एक साल पहले मैंने फार्म हाउस पे एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। गुस्सा आ गया था मुझे और मैंने मनीष को वहीं धो डाला। मनीष, एहसान परामर्श, एहसान परामर्श, तूने मेरे पैसे कैसे चुराए? आई विल किल यू, हाउ डेयर यू स्टील माय मनी। अरर साहब, पुलिस के पास कई ऐसे साक्षी हैं जिन्होंने आपको उसे जान की धमकी देते हुए देखा। तीथी तो क्या हुआ सर, मारा तो नहीं ना, और वैसे भी उस दिन के बाद वो गायब हो गया था। मुझे तो लगा डर के मारे कहीं भाग गया है। अगर गायब हो गया था तो फिर आपके आउटहाउस के दीवार से उसका मृत शरीर कैसे निकला? पता नहीं, लेकिन उन दिनों आउटहाउस में एक नए रूम के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन जिस रात पार्टी थी उस रात आउटहाउस में कोई नहीं था। किसी पर संदेह है आपको, कोई ऐसा जो मनीष को मारना चाहता हो? वैसे तो बहुत होंगे ऐसे, अगर मुझे मौका मिला होता तो मैंने ही उसे जान से मार दिया होता। चलो, किसी ने तो किया। गुड मॉर्निंग केडी सर। मिस्टर ठकराल, कमाल है केडी सर, भाई मानना पड़ेगा, आंख बंद करके भी कोई शर्त लगा सकता है कि इसमें जीत ठकराल की ही होगी, क्योंकि मुजरिमों का काल है ठकराल।
ठगराल साहब, अब क्या होता है कि जीवन में अक्सर बातें जितनी सरल लगती है वो अचानक इतनी उलझ जाती है कि पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। अब उदाहरण के रूप में राम ने श्याम से शर्त लगाई कि हॉकी मैच का स्कोर वो पहले ही बता देगा। श्याम ने 100 रुपये की शर्त लगा ली और मैच के अंत तक स्कोर हुआ 3-4 और श्याम शर्त हार गया। अब बताइए कैसे? कोई शीघ्रता नहीं है, अभी भी सोच के बताइएगा। ओके। जज साहब बता रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मृतक मनीष का शव पनवेल के फार्म हाउस के आउट हाउस में एक दीवार में चुना हुआ पाया गया। वो फार्म हाउस जिसे प्रसिद्ध उद्योगपति श्री वडालिया ने अपने मित्र आरआर से एक हफ्ते पहले ही खरीदा था। रेनोवेशन के दौरान जब एक दीवार तोड़ी गई तो उसमें से एक शव निकला और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से मनीष की मृत्यु 1 साल पहले हुई। ये रही फॉरेंसिक रिपोर्ट। 1 साल पहले ही मनीष की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी और पुलिस की छानबीन के बाद यह पता चला कि मनीष को आखिरी बार रणवीर की पार्टी में ही देखा गया था। योनर, ये पार्टी भी उसी फार्म हाउस पर 1 साल पहले ही ऑर्गेनाइज की गई थी। योनर, 1 साल पहले हुई इस पार्टी में सबके सामने मिस्टर आरआर ने मनीष के साथ हाथापाई की और उसे जान से मारने की धमकी दी। एहसान परामर्श, ये केस सरल तो है लेकिन साधारण नहीं। दौलत और शोहरत के नशे में चूर एक इंसान कानून और इंसाफ को चुनौती दे रहा है। आम आदमी की नजर आज इस केस पर, वो जानना चाहता है कि पैसा बड़ा है या कानून। ये मिस्टर आरआर का पहला अपराध नहीं है, इससे पहले भी इनके नाम पर कई मारपीट के मामले दर्ज। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, ठकराल साहब मेरे मुवक्किल को एक खलनायक की छवि देने का प्रयास कर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि उनकी इस प्रतिक्रिया पर रोक लगाई जाए। आई एग्री विद यू, ऑब्जेक्शन सस्टेन। योर ऑनर, मिस्टर राजा ये बात जानते थे कि पार्टी की रात आउट हाउस पर रेनोवेशन का काम चल रहा है और उनकी पत्नी मिसेस कविता राजा के बयान के अनुसार आउट हाउस पर ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी का पता सिर्फ श्रीमान और श्रीमती राजा को ही। मनीष ने इनके लाखों रुपयों का गबन भी किया था मिलो, इसलिए सिर्फ इन्हीं के पास उसकी हत्या करने का मोटिव था। अब मैं एक अहम और खास गवाह आपके सामने पेश करने जा रहा हूं और वो है इनके मित्र और फार्म हाउस के मालिक मिस्टर वडालिया। मिस्टर वडालिया, अदालत को बताइए कि उस रात यानी कि पार्टी वाली रात वहां पर क्या हुआ था। जहां तक मुझे याद है, मैं फार्म हाउस से वापस गार्डन की तरफ जा रहा था। तो आप फार्म हाउस की तरफ क्यों गए थे? पार्टी तो गार्डन में थी ना? जी, मैं वॉशरूम गया था। अच्छा अच्छा, तो वॉशरूम से वापस आते हुए आपने क्या देखा? मैंने देखा कि रणवीर सामने से क्रिकेट के बैट को जमीन से रगड़ता हुआ चला आ रहा था। अरे रणवीर, अरे सुन यार, व्हाट हैपेंड? और ये बैट के कहाँ जा रहा है तू? क्रिकेट खेलने। तू जा, पार्टी कर, मैं आता हूँ। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से मनीष की मृत्यु किसी भारी चीज के उसके सर पर लगने से हुई। पुलिस को मनीष के शव के साथ दीवार से ये बैट भी मिला। इस पर मनीष के खून के धब्बे पाए गए और श्री आरआर के फिंगरप्रिंट भी इस पर पाए गए। मिस्टर आरआर, मुझे बताइए कि आप ये बैट लेकर आउट हाउस गए थे मनीष को मारने के लिए? नहीं, ये बैट मुझे खुद धोनी ने पार्टी की रात को गिफ्ट में भेजा था।
इसीलिए मैं ये बैट आउटहाउस में रखने गया था। आउटहाउस ही क्यों? जी मुझे स्पोर्ट्स का शौक है, बहुत सारे कलेक्टेबल आइटम्स हैं मेरे पास, जैसे कि कपिल देव की ऑटोग्राफ की हुई क्रिकेट बॉल, या फिर मोहम्मद अली के साइन किए हुए बॉक्सिंग ग्लव्स, या फिर बेकम की साइन की हुई फुटबॉल, और मैं ये सारे कलेक्शन अपने आउटहाउस में ही रखता हूँ। है, आप बड़े आदमी हैं, बड़े शौक हैं आपके, लेकिन मुझे जरा बताएं कि इस पर मनीष के खून के धब्बे कैसे पाए गए? और ये बैट जो आप आउटहाउस में रखने गए थे, ये मनीष के शव के साथ दीवार में कैसे पाया गया? मैं नहीं जानता। योर ऑनर, इस बैट पर मेरे मुवक्किल के उंगलियों के छाप होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये स्वयं इस बैट को लेकर आउटहाउस में रखने गए थे जो ये मान चुके हैं। संभव है कि हत्यारे ने दस्ताने पहनकर इस बैट से आक्रमण किया होगा मनीष पर। आप शायद ये भूल रहे हैं मिस्टर केडी कि उस रात आउटहाउस पर ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी का पता सिर्फ और सिर्फ मिस्टर आरआर और इनकी पत्नी को पता था। और एक बात, इनके पास मर्डर करने का मोटिव था ये, और उस रात ये आउटहाउस गए भी थे। हर गवाह हर सबूत इशारा कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मिस्टर आरआर की तरफ। This is an open and shut case, Your Honor. Your Honor, ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। इस बार आपने गलत केस ले लिया मिस्टर केडी। बहुत सरल सा केस है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आप समझ नहीं पाए। सरल से याद आया टकराल साहब, मैंने आपको एक सरल सी पहेली पूछी थी, उसका हल आपको मिला, राम और श्याम वाली। देखिए ये भी विचित्र बात है कि इतना बड़ा केस आप जीत जाएंगे और एक छोटी सी पहेली का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। केस वाकई में पेचीदा होता जा रहा है। उस रात क्या हुआ था ये जानने के लिए उस रात के सभी अभिलेखों की समीक्षा करनी पड़ेगी। मैंने जब ये सब सुना तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आरआर ऐसा कुछ कर सकता है। इस बात पर आप विश्वास नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बात अभी तक प्रमाणित नहीं हुई। वैसे भी बहुत शीघ्र सत्य सामने आ जाएगा, क्योंकि अधिक दिन तक सत्य छिप नहीं सकता। मतलब आपको लगता है कि आरआर ने ये नहीं किया, तो फिर और कौन मार सकता है मनीष को? यही तो पता लगाना है, और पता लगाने के लिए आपकी सहायता मांग रहा हूँ। हाँ जरूर, मैं जो भी मदद कर पाऊंगी मैं जरूर करूंगी सर। धन्यवाद। सर्वप्रथम ये बताइए कि मनीष के साथ क्या संबंध था? सब एक्चुअली वो मेरे मॉडलिंग करियर की शुरुआत थी। कुछ कॉमन फ्रेंड से मुझे मनीष का नंबर मिला था। इनफैक्ट वो तो मुझे आरआर की एक म्यूजिक वीडियो में काम में दिलवाने वाला था, तो बस ऐसी फ्रेंडशिप हो गई। और उस रात के बाद तो वो गायब भी हो गया। ऐसी कोई अद्भुत विचित्र घटना घटी हो तो मनीष से जुड़ी हुई, उस आउटहाउस से जुड़ी हुई जो आपको स्मरण हो? हाँ सब, उस फार्म हाउस के फर्स्ट फ्लोर में वॉशरूम है, जिसकी खिड़की से आउटहाउस बहुत क्लियरली दिखाई देता है। हाँ जय, जिनके साथ था, मुझे ऐसा लगता है कि मिसेज राजा का प्रेम प्रकरण चल रहा है। मैंने दोनों को अदालत में देखा था, और जिस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज था दोनों का, ये तभी होता है जब दो लोगों के बीच में गहरा संबंध होता है। संबंध कितना गहरा है ये तो पता लगा ही नहीं अंजलि जी। आपको आपत्ति ना हो तो बिना समन्स भेजे आप अगर अदालत में आ जाए अपना कथन दें। जी जरूर। Thank you.
अलावा आपके और मनीष के बीच विवाद चल रहा था इस वीडियो में, क्यों क्यों झगड़ा कर रहे थे आप लोग, किस बात पर? वो रणवीर के साथ चीट कर रहा था। ये जो आपका झगड़ा हो रहा था उसके तो बहुत समय पश्चात काउंटेंट साहब ने आके रांझा साहब को ये बताया कि मनीष गबन कर रहा था। ये विवाद तो उसके पहले का है, तो आपको ये पहले से पता था कि मनीष गबन कर रहा है? बोलिए, पहले से पता चल गया था आपको? मुझे पता था। आपको कैसे पता चला? क्योंकि अकाउंटेंट साहब के बयान के अनुसार, उनके कथन के अनुसार, जैसे ही उन्हें इस गबन के बारे में पता चला तो वो सीधा राजा साहब के पास गए, और राजा साहब प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ये बात सुनी, इन्हीं को पहले बताया था। तो आपको पहले कैसे पता चल गया? देखिए कविता जी, अदालत में झूठी गवाही देना एक बहुत बड़ा अपराध होता है। मिसेस कविता को गबन के बारे में पहले पता चला या बाद में, इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। देना है योर ऑनर, क्योंकि कविता जी झूठ बोल रही हैं। इस वीडियो में जो हमने देखा, इनके और मनीष के बीच विवाद हो रहा था, वो मनीष ने जो गबन किया उसे लेकर नहीं, किसी और ही विषय पर विवाद हो रहा था। क्या यह सत्य नहीं है कविता जी कि मनीष आपको ब्लैकमेल कर रहा था, आपसे रुपए पैसे ऐंठ रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आपके और जय के बीच में प्रेम प्राकरण चल रहा है, अनैतिक संबंध चल रहा है? क्या यह सत्य है या नहीं, इसे आप झुठला नहीं सकती, क्योंकि योर ऑनर, जय साहब और मिसेज रांझा की बैंक की सूची मेरे पास, जिससे ये पूरी तरह स्पष्ट होता है कि बारी बारी इन दोनों के खाते में से मनीष के खाते में रुपए जमा किए गए थे। अब बताइए, मनीष आपको ब्लैकमेल कर रहा था या नहीं? आपकी चुप्पी से ये प्रमाणित होता है मिसेज रांझा की जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। केवल इतना ही नहीं और ऑनर, एक गवाह भी है जिसने मिसेज रांझा को और जय को आउट हाउस की तरफ जाते हुए देखा। ये कहां साबित होता मिलोर, ये कत्ल इन्होंने किया है? किंतु इससे यह अवश्य साबित होता है योर ऑनर कि केवल मेरे मुवक्किल मिस्टर रांझा के पास हेतु नहीं था मनीष की हत्या करने का, मिसेज रांझा और जय उनके पास भी हेतु था। इससे यह भी साबित होता है योर ऑनर कि केवल मेरे मुवक्किल आउट हाउस की तरफ नहीं गए थे, मिसेज रांझा और जय भी गए थे। यह अदालत एक घंटे के अंतराल के बाद इस केस की सुनवाई फिर से करेगी। आपको क्या लगता है, कविता ने मारा है मनीष को? मनीष की हत्या करने का कारण तो था कविता के पास, मैं इस रिश्ते के दूसरे पहलू को देखना है, क्योंकि मारने का कारण तो जय के पास भी था। मैं जय के बारे में और पता लगा क्या था। किरीसा, केस फाइल, पेपर। सर करीब 2 साल पुराना केस, इन्वेस्टिगेशन तो हुई थी लेकिन सबूत ना मिलने के कारण आरआर को रिहा कर दिया गया था। सर ताजुब वाली बात यह है कि सिर्फ 2 पार्टीज ने आरआर के खिलाफ इल्जाम लगाया था, एक महिला संस्था और दूसरा जय। उसी ने पैसे देकर ये अखबार में न्यूज़ छुपाई। सर एक और बात, मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स ने मुझे बताया है कि जितने भी लोकल न्यूज़पेपर्स में आरआर के नेगेटिव आर्टिकल छपे हैं वो सभी जय ने ही स्पॉन्सर किए। लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी है आरआर को सजा दिलवाने। पर केडी, ये सबसे प्रूफ कुछ नहीं होता है। लेकिन एक प्रश्न उठ रहा है मेरे मन में, कभी कभी सत्य तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा प्रश्न ही पर्याप्त होता है। तो एक काम कर करो, मनीष के बैंक अकाउंट्स की सूची निकलवा। जी सर। योर ऑनर, 2 वर्ष पूर्व सुपर्णा नामक एक मॉडल ने आत्महत्या की थी। उस समय मीडिया और पत्रकारों ने इस आत्महत्या का आरोप मेरे मुवक्किल मिस्टर रांझा पर लगाया था। ये कहा था कि एक म्यूजिक वीडियो में काम देने के बहाने मिस्टर रांझा ने सुपर्णा का शोषण किया, किंतु ये बात भूल निकली। और पुलिस को सुपर्णा और मिस्टर रांझा के बीच संबंध के कोई साक्ष्य नहीं मिले, वार्तालाप के कोई साक्ष्य नहीं मिले। ये पूरा केस एक ही व्यक्ति के कथन पर आधारित था, जय साहब के कथन। और जैसे ही ये आरोप गलत सिद्ध हुआ, जय साहब ने अपना कथन वापस ले लिया। इस बात का इस केस से क्या संबंध? संबंध है योर ऑनर, बहुत गहरा संबंध। अब सीधी सी बात है कि जय साहब के मन में रांझा साहब को लेकर
कोई शुद्ध विचार तो थे ही नहीं। इनका मिसेज रांझा के साथ में भी जो संबंध था वो अदालत में पूर्ण रूप से स्पष्ट कर चुका हूं मैं। वहां मनीष को इनके संबंध के बारे में पता चल गया था, दोनों को ब्लैकमेल भी कर रहे थे। अब इस समस्या से निकलने का एक ही हल था इनके पास योर ऑनर, कि मनीष तथा मिस्टर रांझा को रास्ते से हटा दिया जाए। और फिर जब रांझा साहब आपके झूठे आत्महत्या को उकसाने वाले आरोप से छूट गए, तब आपको लगा कि अब इन्हें किसी बड़ी हत्या के आरोप में फंसाना चाहिए। ऐसा ही आपने किया, क्योंकि इसी में आपका भी लाभ था। ऑब्जेक्शन है ऑनर, बिना किसी सबूत और मोटिव के ये आरोप लगाना सरासर गलत है। सबूत है यार ऑन, सबूत ये है कि मनीष उस रात अंजलि को लेकर आउटहाउस में गया था। प्रश्न ये उठता है कि जब सामने फार्म हाउस था, अंजलि को वो आउटहाउस में क्यों लेकर गया? फार्म हाउस में कई कमरे थे जिन पर ताला भी नहीं लगा। उसे एकांत चाहिए था और फार्म हाउस में तो कोई भी आ जा सकता है। ठकराल साहब, आप मुझे ये बताइए कि मनीष को कैसे पता चला कि आउटहाउस की चाबियां कहाँ रखी? बता दिया होगा किसी ने। किसने बताया होगा? क्योंकि आपके दलील के अनुसार तो दो ही अनुमति। योर ऑनर, मेरा सहायक अभी एक खास सबूत देके गया है, मैं इसे देखने की इजाजत चाहूंगा। अनुमति। थैंक यू योर ऑनर। जैसा कि मैं कह रहा था कि स्पष्ट है कि कोई तीसरा व्यक्ति था जो जानता था कि चाबियां कहां रखी है, जिसने मनीष को वहां चाबियां देकर भेजा। मिस्टर और मिसेस रांझा का तो विवाद हो चुका था मनीष के साथ, वो तो उसे भेज नहीं सकते थे। एक ही व्यक्ति बचा योर ऑनर, जय साहब ने ही मनीष को चाबियां दी और उसे आउटहाउस में भेजा। इतना ही नहीं योर ऑनर, ये आउटहाउस से बाहर भी निकलते हुए दिखाई दिए। सारे प्रमाण ये कह रहे हैं योर ऑनर कि संभव है कि मनीष की हत्या जय साहब ने की। योर ऑनर, एक बात के लिए तो मैं केडी साहब की सराहना करना चाहूंगा कि ये आसानी से हार नहीं मानते, किसी न किसी तरह से केस को इधर से उधर घुमाकर कहीं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है। योर ऑनर, ये तो साबित हो चुका है कि मनीष की हत्या आउटहाउस के अंदर हुई। मुद्दा नंबर दो की हत्या जो है क्रिकेट के बैट से हुई। मुद्दा नंबर तीन कि उस पर आरआर साहब के फिंगरप्रिंट्स पाए गए। मुद्दा नंबर चार के साहब नशे में चूर थे और इनके पास एक मोटिव भी था हत्या करने का। और पांचवा ये कि जब ये आउट हाउस की तरफ जा रहे थे तो इनके हाथ में क्रिकेट का बैट था, आउट हाउस लॉक था और उसकी चाबी का पता सिर्फ इनकी पत्नी और इनको ही था। और अब जो छठा सबूत मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं योर ऑनर, उसके बाद तो केडी साहब खुद कहेंगे कि आप आरआर साहब को सजा दे ही दी। योर ऑनर, मिस्टर रांझा ने अपने फार्म हाउस और अपने घर की सुरक्षा का जिम्मा S1 नाम की एजेंसी को दिया था। S1 नाम की एजेंसी ने इनके घर और फार्म हाउस पर CCTV इंस्टॉल किया। उनमें से एक कैमरा फार्म हाउस के पीछे इंस्टॉल किया गया जहां से आउट हाउस साफ नजर आता था।
इससे ज्यादा साफ सबूत और कुछ हो ही नहीं सकता यौन। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा अंजलि को स्टैंड में बुलाने के लिए। अंजलि जी, ये सब आपने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया? I'm really sorry sir, पर मैं बहुत डर गई थी। उस रात जब मुझे होश आया तो मनीष कहीं नहीं था। अच्छा, आप ने आउटहाउस के अंदर जाकर देखा था? जी सर, पर वो वहाँ भी नहीं था। इनफैक्ट वो उस रात के बाद उसका कुछ पता ही नहीं चला। वो तो जब मैंने न्यूज में देखा कि उसकी बॉडी आउटहाउस से मिली, तब मुझे समझ में आया कि क्या हुआ होगा। सर आई एम रियली सॉरी, मैं डर गई थी इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। आर आर बहुत पावरफुल आदमी है सब, और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैंने आपसे कहा था ना केडी साहब, मुजरिमों का काल है ठकरा। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ, इस नए साक्ष्य को स्वीकार करने से पहले इसका अध्ययन करने का अवसर दिया जाए मुझे। यह अदालत प्रोसिक्यूशन को यह निर्देश देती है कि इस वीडियो के एक कॉपी डिफेंस को दी जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? तो और क्या करता सर, सब जानते हैं कि यू आर द बेस्ट सर, और सब ये भी जानते हैं कि आप क्रिमिनल्स को कभी डिफेंड नहीं करते। अगर मैं आपसे ये बात बता देता तो आपको भी यही लगता कि मर्डर मैंने किया, और फिर आप मेरा केस कभी नहीं लेते। देखो आरआर, ये अंतिम मौका है तुम्हारे पास मुझे ये बताने के लिए सच सच कि तुमने उसे मारा है। मैंने उसे आउटहाउस में ले जाकर मारा जरूर था सर, लेकिन जान से नहीं मारा, वो सिर्फ बेहोश हुआ। फिर उसे तुम्हारे आउटहाउस की दीवार में किसने चुन दिया? आई डोंट नो सर। सर मैं सच कहता हूं, मैं उसे जमीन पर बेहोशी की हालत में छोड़कर चला गया। प्लीज ट्रस्ट मी सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं मानता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कई कांड किए हैं, बट आई स्वेयर मैंने मनीष को नहीं मारा। केडी सर, आपको मेरी बात पर यकीन है ना सर? Still, KD, it's not your fault that RR is such a liar. मेरे को तो ना, to be honest, मेरे को तो पहले से ही लग रहा था कि वो ही मर्डर किया है। इतना arrogant और angry man है वो। मुझे ऐसा नहीं लगता बिली, मुझे लगता है कि वो निर्दोष है। मैं जब उससे बात कर रहा था, मैंने उसकी शारीरिक प्रवृत्ति पर ध्यान दिया। अगर किसी दोषी पर आरोप लगाओ तो वो अपनी नजरें चुराता है, बेवजह क्रोधित होता है, लेकिन आरआर ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था, क्रोधित नहीं था, चिंतित था। ये सब एक निर्दोष व्यक्ति के लक्षण है। सर हम कुछ कर सकते हैं अभी भी? पता नहीं, और आज अदालत में इस केस ने जो मोड़ लिया है उसके बाद तो संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं। फिर भी निर्दोष को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक काम कर, कल वहां जा फार्म हाउस पर, और जिस दीवार से मनीष का शव मिला था उसके आसपास छानबीन कर, कुछ ना कुछ अवश्य मिलना चाहिए वहां। ठीक है सर। वरुण, सॉरी पहले एक बात बताओ, क्या यह सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का उपयोग करता है तो उसकी अभेद छाप उस पर छूट जाती है? Definitely, केडी, ये सच है। I hope so. How dare you steal my money?
तो ये तो वही टाइम है जो उस रात जो जैकेट पहनी थी राजा ने उसके ऊपर लगा हुआ। यस, कोई डाउट नहीं है सर, उसी ने मारा मनीष को और फिर बॉडी दीवार में चुन दी। सर ये फार्म हाउस के फोटोग्राफ्स, तो सभी विटनेसेस की बात सही लग रही। सही कह रही थी, हर वस्तु पर उसके उपयोग करने वाले की एक अभेद छाप छूट जाती है। योर ऑनर, कभी कभी बड़े बड़े सबूत और साक्ष्य में सत्य छिप जाता है, अंधेरे में ढकेल दिया जाता है और फिर एक छोटा सा सबूत, एक छोटा सा साक्ष्य परिस्थिति को प्रकाशित कर देता है। योर ऑनर, ये छोटा सा हीरा हमें उसी स्थान से प्राप्त हुआ जिस स्थान से मनीष का शव प्राप्त हुआ, और ऐसे ही हीरे आरआर साहब के जैकेट पर लगे थे जो उस रात उन्होंने पहने थे। वाह केडी साहब वाह, दांत देनी पड़ेगी आपकी सिंसियरिटी की। सच्चाई का पता चलते ही आपने एक और प्रमाण ढूंढ लिया और वो भी मेरे ही फेवर। बड़े शीघ्रता से आप अपना धैर्य खो देते हैं ठकराल साहब, कभी कभी अति शीघ्रता से आवश्यक बातें जो है वो छूट जाती है। कैसी बात, मिस्टर केडी सीसीटीवी का फुटेज देखते ही पता चल जाता है कि मिस्टर राजा ने ही मनीष का कत्ल किया है। सिंपल, उसी सीसीटीवी फुटेज पे आ ही रहा था मैं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो अभियोग पक्ष महोदय ने जो सीसीटीवी फुटेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था उसे पुनः चलाना चाहूँ। इजाजत। योर ऑनर, ध्यान दें कि इस फुटेज पर समय भी अंकित है। अब ये रांझा मनीष के पीछे पीछे आउटहाउस में गया और ये रांझा बाहर आया। योर ऑनर, समय से साफ पता लगता है कि रांझा अंदर गया और चार ही मिनट में बाहर आया। अब प्रश्न मेरे मन में ये उठता है कि चार ही मिनट में किसी की हत्या करके उसको दीवार में चुन कर वहां से बाहर आना, क्या ये संभव है योर ऑनर? लेकिन योर ऑनर, ये भी तो हो सकता है कि पहले मिस्टर रांझा ने मनीष का कत्ल किया हो और फिर उसके बाद उसे दीवार में चुनवा दिया हो। नहीं ठकराल साहब, अब आप देखिए ये दो तरफा बातें कर रहे हैं। आपने स्वयं अपने साक्षी से पूछा और आपको अंजलि जी ने बताया वहाँ विटनेस स्टैंड में कि उस रात जब मुझे होश आया तो मनीष कहीं नहीं था। आउटहाउस के अंदर जाकर देखा था? जी सर, पर वो वहाँ भी नहीं था। इनफैक्ट वो उस रात के बाद उसका कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा, तो आप ही बताइए कि मिस्टर राजा की जैकेट का डायमंड मनीष की लाश के पास कैसे पाया? अग्रवाल साहब, मैं केवल आपको इतना बता सकता हूँ कि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। तो हो सकता है इस केस में जो आपको दिख रहा है वो ना हो और जो मुझे दिख रहा है वही हो। नहीं सर, समझाता हूँ। योर ऑनर, वास्तव में ये जो हीरा उस स्थान से प्राप्त हुआ है जहाँ से मनीष का शव प्राप्त हुआ था, ये मेरे मोहकिल आरआर की जैकेट का है ही नहीं। योर ऑनर, हीरे के दो मापदंड होते हैं, उसकी चमक और उसका घनत्व, और दोनों ही मापदंडों से ये प्रमाणित होता है कि ये हीरा आरआर की जैकेट का नहीं है। रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है। अब योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं अंजलि जी को कटघरे में बुलाऊं और उनसे निवेदन करूं कि इस विषय पर और प्रकाश डालें। अंजलि जी, आपके कथन के अनुसार आप जब होश में आई तत्पश्चात आप आउटहाउस के अंदर गई और वहां कोई भी नहीं। जी हाँ। क्यों ना ये जो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है इस पर एक बार फिर से योर ऑनर ध्यान दें, ये अंजलि आउटहाउस में गई। अति समय लग जाएगा योर ऑनर, थोड़ा फॉरवर्ड कर दें और ये अंजलि जी बाहर। लेकिन अंजलि तो ठीक कह रही है। ठकराल साहब, दुर्भाग्यवश आपने ये सीसीटीवी फुटेज वहीं तक देखा जहां तक ये फुटेज आपके तर्क को समर्थन दे रही थी। आपको लगा कि वहीं ये खत्म हो गई, लेकिन जहां तक आपने देखा वहां से तो कहानी शुरू होता है। देखिए आगे। योर ऑनर, इस फुटेज पर अगर ध्यान दिया जाए तो जिस समय अंजलि जी ने प्रवेश किया आउट हाउस में, इनके बाहर आने तक पूरे 55 मिनट का फासला है। अंजलि जी, ये मतलब समझ में नहीं आया, आपके कथन के अनुसार आप मनीष को ढूंढने वहां अंदर गई आउट हाउस में,
आपने हर जगह ढूंढा और बाहर आ गई आप। अभी वो आउटहाउस इतना बड़ा तो है नहीं कि आपको 55 मिनट लगे हो किसी को ढूंढने के लिए। 55 मिनटों तक अंदर क्या कर रहे? कोई बात, एक और प्रश्न है आपके लिए। ये जो हीरा उस स्थान से हमें प्राप्त हुआ जहां पर बेचारे मनीष का शव प्राप्त हुआ, क्या पहचानते हैं आप इस हीरे को? देखिए ध्यान से देखिए, क्या है? आप कुछ भी नहीं बोलेंगे? कोई बात, मैं बोल देता हूँ। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा एक बार आप फिर से इस वीडियो फुटेज पर ध्यान दें। इस फुटेज का स्थिर चित्र इस पर जरा जूम करके दिखाता हूँ आप। ये देखिए योर ऑनर, ये वही नग है जो इनकी नथनी में उस समय लगा हुआ था। और अब फॉरवर्ड करके योर ऑनर, जूम करके योर ऑनर, ये जब 55 मिनटों बाद आउट हाउस से बाहर आए, साफ साफ दिख रहा है योर ऑनर कि वो नग इनकी नथनी में है। हो भी नहीं सकता क्योंकि वो तो मेरे हाथों में। अब ये बताइए कि नहीं, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, ठकराल साहब पूछने वाले हैं कि आपको कैसे पता चला कि वो चाबियाँ आउट हाउस की कहाँ है? जिसका उत्तर ये है कि आपने मिसेज आरआर को वहाँ से प्रस्थान करते हुए देखा और जाकर चाबी रखते हुए देखा, और आपने मनीष को बताया कि चाबियाँ कहाँ रखी हुई हैं और उसे आउट हाउस में मिलने को बुलाया उसकी हत्या करने की मंशा से। एक बात समझ में आ रही है कि इसका मोटिव क्या हो सकता है? ये क्यों मारेंगे उसे? लो कर लो, थोड़ी सी जांच पड़ताल की होती ठकराल साहब ने तो ये प्रश्न न पूछते। योर ऑनर, हमने थोड़ी सी जांच पड़ताल की तो पता चला कि अंजलि जी सुपर्णा जी की छोटी बहन है। वही सुपर्णा जी और ऑनर जिन्होंने 2 वर्ष पूर्व आत्महत्या की थी और आत्महत्या को उकसाने का आरोप योर ऑनर मेरे मुवक्किल आरआर साहब पर लगा था। अंजलि जी, आप चाहें तो आपकी ओर से बाकी का भी मैं बता सकता हूँ न्यायाधीश महोदय को, तो अगर आप स्वयं बताएंगे तो हो सकता है कि न्यायाधीश महोदय कुछ आपकी ओर दया दृष्टि से देखें। सुपर्णा की सुसाइड में आरआर का हाथ तो कभी था ही नहीं। सर वो मुझे सारी बातें बताती। इनफैक्ट मनीष ने तो कभी उसे आरआर से मिलवाया ही नहीं, सिर्फ वादा करता रहता और यही झांसा दे देकर वो उसका फायदा उठाने लगा। और एक दिन जब उसे समझ आया कि वो किस दलदल में फंस गई है तो उसने अपनी जान ले ली। मनीष जैसे लोग जो मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेलते हैं, ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है सर। ऐसे लोगों को सिर्फ मौत मिलनी चाहिए जो मैंने उसे दे दी। अंजलि, हेल्प मी। आपकी बहन सुपर्णा के साथ जो हुआ उस बात का खेद तो है हमें, तत्पश्चात प्रतिशोध लेने के लिए आपने जो किया उसका उससे भी बड़ा खेद है हमें। द डिफेंस रेस्ट। सभी सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत रणबीर रांझा को इस केस से बाइज्जत बरी करती है और अंजलि को मनीष दुबे की हत्या के जुर्म में फौरन गिरफ्तार करने का आदेश देती है। The case is closed. Mr. KD, फिर से जीत गया, मुबारक। आपकी जो किस्मत है ना वो सचमुच बुलंदी पर है। ठकराल साहब, केसेस तकदीर और भाग्य से नहीं, परिश्रम और कटिबद्धता से जीती जाती है। वैसे आपने मेरी पहेली का हल नहीं बताया। मैंने आपसे पूछा था कि राम ने यह शर्त रखी कि खेल शुरू होने से पूर्व वो स्कोर क्या है बता सकता है, और श्याम ने 100 रुपए लगा दिए और हार गया। 3-4 स्कोर हुआ था। ऐसा है कि जो मैच है वो फिक्स हो गया नहीं ठकराल साहब, ऐसा नहीं था।
तो फिर उसकी तकदीर भी आपकी तरह से बुलंदी पर होगी। जैसा कि मैंने कहा, कभी कभी बहुत ही सरल वाक्यों में तर्जुमा होता है। क्या कहा था मैंने? राम ने कहा, मैच शुरू होने से पूर्व क्या स्कोर होगा वो उसे पता है। मैच शुरू होने से पहले स्कोर हमेशा 0-0 ही होता है। समझ गए ना? हाँ।